कि हम दोनों सैलरीड पर्सन थे, हमारा सैलरी के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। वलीमा के लिए जब हम डेरा इस्माइल खान गए तो मेरे एक चचा जो मुबारक देने के लिए आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि माजी खान ये इधर दस्तखत कर दो। इस प्लानिंग की वजह से कोई रुकावट नहीं आई बच्चों की एजुकेशन में या उनकी शादी में या और जो ज़रूरियात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद कुरैशी है, मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से और इनिशियल एजुकेशन मेरी टिल ग्रेजुएशन डेरा इस्माइल खान में हुई। लाहौर में ट्रेनिंग की और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जो है वो रावलपिंडी में हुई एज इनकम टैक्स ऑफिसर। 1984 में मेरी शादी हुई मेरी बैचमेट सीमा के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चार बच्चे हैं, तीन बेटियां हैं, एक बेटा है और दे आर वेल सेटल्ड अपने करियर में, दे आर सक्सेसफुल। इंश्योरेंस की तरफ जो है मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। जब 1984 में हमारी शादी हुई तो शादी तो रावलपिंडी में हुई। वलीमा के लिए जब हम डेरा इस्माइल खान गए तो मेरे एक चचा जो मुबारक देने के लिए आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि माजी खान ये इधर दस्तखत कर दो। तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा बस ये दस्तखत कर दो, ये तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैंने साइन कर दिए, उसका फर्स्ट प्रीमियम वगैरह सारा उन्होंने पे किया, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पूरी की, वो फाइल उन्होंने कंप्लीट करके मेरे हवाले कर दी। उसके बाद चूंकि मैं कन्विंस था तो तकरीबन 2 साल के बाद मैंने अपनी वाइफ को भी कहा कि हम एक जॉइंट पॉलिसी ले लेते हैं। हमने एक और पॉलिसी ले ली। उसके बाद तकरीबन कुछ 7-8 साल के बाद जब हमारे बच्चे हुए और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया तो हमें उनकी एजुकेशन के लिए हमने सोचा कि भाई कल को जब ये सीनियर लेवल में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो इन क्योंकि हम दोनों सैलरीड पर्सन थे, हमारा सैलरी के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो हमने सोचा कि कोई इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। तो वो पॉलिसी हमने ली और उसके बाद और भी हमने EFU की पॉलिसीज ली, कुछ जॉइंट ली, कुछ मैंने, कुछ मेरी वाइफ ने, और इसका हमें तो बहुत बेनिफिट हुआ। मैं समझता हूँ कि भाई इंश्योरेंस की वजह से जब हमें कहीं बच्चों की शादी के लिए या किसी बच्चे को बाहर भेजना एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होते थे, हम कोई एक आध पॉलिसी जो है ना वो सरेंडर करके उसके पैसे ले लेते थे। तो हमें किसी स्टेज पे भी शुक्र है अल्लाह ताला का कि इस प्लानिंग की वजह से कोई रुकावट नहीं आई बच्चों की एजुकेशन में या उनकी शादी में या और जो ज़रूरियात होती हैं इंसान की लाइफ में आती रहती हैं। इंश्योरेंस इज़ सच ए गुड थिंग।